बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का सुंदर पहाड़ी दौरा था, जहां उन्होंने मलेरिया प्रभावित गांव में भ्रमण कर लोगों का हाल जाना था। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उन्हें कुत्ते ने नहीं काटा, जो वो हेमंत सोरेन के पीछे आएंगे। इसी के जवाब में प्रदीप यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी को कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन उन्हें गिरगिट ने जरूर छुआ है। इसलिए समय के साथ उनके रंग बदलते रहते हैं, क्योंकि पहले वो भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाते थे, आज वो उन्हीं के गुनगा रहे हैं। रंग बदलने का जो प्रयास है, कुत्ता तो नहीं काटा लेकिन गिरगिट ने उन्हें जरूर छू दिया है, जिस कारण से इस प्रकार के वाक्य उनके निकलते हैं। योजनाओं की तारीफ नहीं करते, जो योजनाएं हो रही है पूरे देश, मैंने पहली बार हमें एहसास होता है कि वो अपने मन से नहीं कहते, उनके जो सिपा सलाहकार जो उन्हें सुझाव देते हैं उनके इर्द गिर्द रहते हैं, धरती की चीज़ों को अनुभव करके वो नहीं कहते हैं, केवल जो बाहरी लोग उन्हें सलाह देते हैं उन्हीं के आधार पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिस कारण से ये अनाप शनाप चीज़ें आती है। अभी सुंदर पहाड़ी में मलेरिया का प्रकोप था, इसमें कहीं दो राय नहीं है, मेरा भी जाना हुआ था उस पहाड़ पर, 3 दिन पहले मैं भी गया था, कांग्रेस के लोग थे, JMM के लोग थे, SDO थे वहाँ के, सारे लोग थे, मेरे पहले DC साहब भी गए थे वहाँ के पूरे, और हमें लगता है कि जिला की जो पूरी महकमा है पूरी शिद्दत से लगी है, मनोयोग से लगी है, पूरे कामों को मूर्त रूप दे रहे हैं। दुखदाई है बच्चों का मरना, कहीं दो राय नहीं है। अब वो जिस गांव में यह घटना घटी उस गांव में सच में सड़क नहीं है, उसके कारण मैंने तहकीकात करने का प्रयास किया, जो बातें आई कि सड़क दो बार सुकृत हुआ, लेकिन यह जो फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट है जिस कारण से वो बाधा आई अब तक सड़क नहीं बन पाई है, लेकिन और सड़कें बनी है। लेकिन फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कहा, उन्होंने कहा कि मैं इसके क्लियरेंस में लगा हूँ NOC में, और लगता है कि इस साल उसकी सड़क पूरी होगी, लेकिन उससे कुछ कहना नहीं है। कहना ये है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी इन 23-24 वर्षों में लगातार 18 वर्षों तक सत्ता में रही झारखंड का, और वो अब कहे कि नहीं सड़कें ना बनी, तो भाई 18 साल तो आपका शासन रहा, आपने क्यों नहीं वहाँ संज्ञान में लिया? केवल विधायक, केवल जनप्रतिनिधि, असल सरकार की जिम्मेवारी होती है इन कामों को मूर्त रूप देना, चाहे आदिवासी हो, चाहे पहाड़िया हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, झारखंड के वासी है। और हमें लगता है कि इन चीजों को सामने परोसना ये ठीक नहीं है, उन्हें ये कहना चाहिए कि भाई सरकार ने कितनी तत्परता दिखाई, जब सरकार के संज्ञान में आया, प्रशासन के संज्ञान में आया, तो हमें लगता है कि एक एक घरों में प्रशासन घुसी है, प्रशासन के लोग, विभाग के लोग, लेकिन थोड़ी वहाँ की जमीनी हकीकत ये है कि लोग इलाज से भी भागते हैं कुछ लोग। अब उन्हें समझाना सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है। मैं जब गया था उस दिन तो हमने देखा कि भाई मलेरिया का छिड़काव हो रहा था, कुछ लोग छिड़काव के भी विरोध कर रहे थे कि ना हम मलेरिया का छिड़काव होने नहीं देंगे, इससे बुरा असर होगा। तो कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमें लगता है सबको मिल के करना होगा, इसे केवल मुद्दा बनाने से नहीं होगा। यह दुखदाई है बच्चों का मरना, लेकिन सरकार ने उसे संज्ञान में लिया है, प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, बेहतर काम कर रहा है, और हमें लगता है कि अब थोड़े काबू में आ चुके हैं। अब कोई घटना आगे हमें नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई अनहोनी हो पाएगा, जितने प्रशासन सतर्क हुई है जब से प्रशासन के संज्ञान में आया है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि यह जो झारखंड में वर्तमान सरकार है, राज्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, राज्य की जरूरतों के अनुरूप काम कर रही है, और यह पेट में दर्द उत्पन्न कर दिया है विपक्षियों को, जिस कारण वो अनाप शनाप अपने बयानों को पेश करते हैं।